दोस्तों, अगर आप लोग भी इस सेल में कोई भी प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज करने जा रहे हो तो थोड़ा सा थम कर 5 से 7 मिनट अपने कीमती समय का हमको दीजिए। आज की वीडियो में हम आप लोग को नो कॉस्ट ईएमआई की असली सच्चाई से आपको रूबरू करवा दूंगा। इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि नो कॉस्ट ईएमआई में कौन कौन से हिडन चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं, जो कि ना ही बैंक आपको बताती है, ना ही आपको जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन, वो भी आपको नहीं बताती। इसके आते आपको ये भी बताऊंगा कि नो कॉस्ट ईएमआई पे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमें क्या फायदे और क्या नुकसान झेलने पढ़ते हैं। तो वीडियो आप लोग प्लीज एंड तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखना। तो आइए तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में एक चीज मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप लोग समझ रहे हो कि नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब नो इंटरेस्ट ईएमआई, जिसपे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगता, तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई या फिर नो इंटरेस्ट ईएमआई जैसा कोई भी शब्द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में होता ही नहीं है, और आरबीआई ने 2014 में ही इसके रिगार्डिंग एक स्ट्रिक्टली रूल भी निकाला है, जिसमें यह बताया कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी अगर लोन प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज करो तो एक तरीके से वो लोन ही अमाउंट हुआ ना, तो अगर कोई कंपनी लोन दे रही है किसी को तो फिर वो बिना इंटरेस्ट पे लोन दे ही नहीं सकती। तो ये आरबीआई का नियम है। तो अब आप लोग के दिमाग में एक चीज जरूर आ गई कि अगर वो इंटरेस्ट हमें नहीं पे करना है तो पे कौन करता है, ठीक है? क्योंकि आप लोग देखते हो कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज करते हो तो जो इंटरेस्ट रहता है वो वहां पे माइनस होके आता है, ठीक है? तो वो जी जो इंटरेस्ट लगता है ना, एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट लगता है वो बैंक तो लगाती है, लेकिन वो पे करता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मीन्स जैसे कि अगर आप लोग फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, अमेजॉन के थ्रू कर रहे हो, मिंत्रा के थ्रू कर रहे हो, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो, तो वो नो कॉस्ट ईएमआई में जो इंटरेस्ट लगता है वो पे करता है आपका प्लेटफॉर्म, ठीक? तो अब आप लोग के दिमाग में एक चीज़ और आ रहा है कि चलो भाई, जब प्लेटफॉर्म यानी कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन पे ही कर रहे हैं, हमें तो नहीं पे करना है ना, तो हमसे क्या लेना देना, नो कॉस्ट ईएमआई पे हम परचेज कर ही लेते हैं। लेकिन भाई, इसके बावजूद आपको कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस पे करने ही पड़ते हैं। वो कौन से हिडन चार्जेस हैं, वो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला हिडन चार्जेस लगता है प्रोसेसिंग फीस। कोई भी प्रोडक्ट आप नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज करते हो या फिर ईएमआई पे भी, इवन जो नॉर्मल ईएमआई होता है उस पर भी अगर आप लोग परचेज करते हो, लोन अगर आप लोग कहीं से लेते हो, तो वहाँ पर आप देखते होगे कि आपको प्रोसेसिंग फीस देना ही पड़ता है। ये प्रोसेसिंग फीस हर बैंक का अलग अलग होता है। ये 99 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 299 प्लस जीएसटी तक होता है। तो सबसे पहला चार्ज तो आपको देना होता है प्रोसेसिंग फीस का। इसके बाद दूसरा जो चार्ज लगता है वो है आपके प्रोसेसिंग फीस पे 18% का जीएसटी। मतलब कि अगर आपको मान लीजिए 199 प्रोसेसिंग फीस देना पड़ रहा है, तो उस पर 18% जीएसटी भी आपको पे करनी पड़ेगी। ये ना ही प्लेटफॉर्म करेगा, ना ही बैंक करेगा, ना ये आपको ही पे करना पड़ेगा, ठीक है? ये और प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी जो होता है वो आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आ जाता है ऐड होकर, और वो आप लोग को सिर्फ वन टाइम ही पे करना होता है। इसके बावजूद एक चार्ज और आपको लगता है। जैसे आपको मैंने बताया ना कि इंटरेस्ट तो लगता ही है, जैसे आप नॉर्मली ईएमआई कराते हो तो जैसे कि मान लीजिए 700 रुपये का आपको इंटरेस्ट पे कर, आपका प्लेटफॉर्म यानी कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन पे कर रहा है, वो तो पे कर रहा है, लेकिन उस इंटरेस्ट पे भी 18% का जीएसटी लगता है, ठीक है? तो वो जो जीएसटी वाला अमाउंट है इंटरेस्ट पे, वो आपको पे करना होता है। इंटरेस्ट तो प्लेटफॉर्म पे कर देता है, लेकिन उस पर जो जीएसटी लगता है वो आपको पे करना पड़ता है। तो मतलब कि 3 प्रकार के हिडन चार्जेस, पहला है प्रोसेसिंग फीस, उस पर इसके बाद फिर उस पर जीएसटी, इसके बाद फिर इंटरेस्ट पे जीएसटी आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे करना होता है। तो अगर आपको लगता है ये 3 छोटे जो अमाउंट हैं वो अगर आप लोग वन टाइम पे करके, जैसे वन टाइम तो प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी, लेकिन जो इंटरेस्ट पे जीएसटी लगता है वो हर महीने के इंस्टॉलमेंट में ऐड होकर आता है। तो अगर आप लोग को लगता है कि इतना अमाउंट अगर आप लोग पे कर ले जाते हो तो फिर नो कॉस्ट ईएमआई कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग नॉर्मल ईएमआई करवाते हो तो वहाँ पर आप लोग को 15 से लेकर 20% 19% तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, बट नो कॉस्ट ईएमआई अगर आप लोग करवाते हो तो वहाँ पर आपको वो इंटरेस्ट
पे नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप लोग इन सेल में जो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होने वाला है, इसके साथ ही अमेजोन की ग्रेट इंडियन सेल स्टार्ट होने वाली, इसमें अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज करोगे तो वहाँ पे आप लोग को जो नुकसान होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा रुक कर जान लीजिए। यहाँ पे आप लोग देखते हो अगर कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप लोग नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेजिंग करते हो तो वहाँ पे आप लोग को ऑफर मिलता है 10% का स्टैंड डिस्काउंट। हालांकि ये 10% का स्टैंड डिस्काउंट फ्लैट 10% नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर होती है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोग को प्रोडक्ट पे मिल जाता है। तो वो जो डिस्काउंट होता है ना, वो नो कॉस्ट ईएमआई में आपको नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप लोग ख्याल जरूर कर लेना। हालांकि जब आप लोग प्रोडक्ट परचेज करोगे तो वहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई में ही वो जो 10% का स्टैंड डिस्काउंट लेस करके जरूर दिखाएंगे, लेकिन जब आपका स्टेटमेंट आएगा, आप लोग पूरा ही बिल अपना जमा करके जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस देखोगे ना, मिलाओगे, तो प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप लोग फुल अमाउंट पे कर सकते हो, आपके पास उतना अमाउंट है, जैसे कि मान लीजिए 50,000 का मोबाइल या प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हो, तो 50,000, 55,000, 60,000 का आपके पास है, तो आप फुल अमाउंट देकर परचेजिंग कर लीजिए, ठीक है। बट अगर आपके पास फुल अमाउंट नहीं है तो फिर नो कॉस्ट ईएमआई बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप लोग को 6 मंथ, 3 मंथ का अच्छा खासा टेन्योर भी मिल जाता है, इसके अति अलग से आपको ईएमआई भी पे नहीं करनी होती। बट वही मैंने आपको बताया, सिर्फ एक कंडीशन, अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप लोग फुल अमाउंट पे करके जो 10% का स्टैंड डिस्काउंट है ना, वो आप लोग ले सकते हो, नहीं तो फिर नो कॉस्ट ईएमआई में वो आपको नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को नो कॉस्ट ईएमआई के सभी हिडन चार्जेस और फायदे नुकसान सब कुछ आपको बता दिया। बाकी आपकी अब मर्जी है, आप अपने दिमाग से सोच सकते हो कि नो कॉस्ट ईएमआई पे हमें परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग इन सेल में कौन सा प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज करने जा रहे हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एटलीस्ट एक लाइक, अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि सेल अभी 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, तो तुरंत के तुरंत वीडियो बना के आप लोग को दूंगा रात के समय ही, तो अगर जगह रही है तो फिर वीडियो देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना सही, मिलते हैं आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।